मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने नोटबंदी के निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अधिकारियों को उनके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं और यह बताने को कहा कि दस्तावेजों के खुलासे से देश के आर्थिक हितों पर कैसे असर पड़ेगा। गौरतलब है कि जब आरएल केन ने नोटबंदी मामले में आरटीआई कानून के तहत एक सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500,000 रुपए के नोटों को बंद करने और 2,000 रुपए का नया नोट जारी करने से पहले राष्ट्रपति को बताया था। इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वह सूचना आयोग से इस मामले में शिकायत की थी। उसके बाद वह सूचना मुख्य आयुक्त ने भी इस सवाल को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनका सवाल सूचना की परिभाषा के तहत नहीं आता। इसी मामले में मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रधानमंत्री कार्यालय के उन अधिकारियों को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है जिनके पास नोटबंदी के संबंध में रिकॉर्ड थे। आपको बता दें, नोटबंदी को लेकर विपक्षी पार्टी ने सरकार पर तंज कसा था, इतना ही नहीं सरकार को आड़े हाथों भी लिया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।